हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इस बात को लेकर के कि किसी भी टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जी हाँ, टपल यानी कि यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ टपल कैसे बनता है। आप जानते हैं, इसके पहले भी मैंने तो बताया ही है कि टपल को बनाने के लिए हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं टपल बनाता हूँ माई टप के नाम से, माई टपल ही कर देते हैं। माई टपल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ इसमें स्टोर कराऊंगा और स्टोर किस में कराऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा आर एम राम और फिर यहाँ पे लिखा श्याम और फिर यहाँ पर सकते हैं, तो फिलहाल मैंने डबल इंटेड कॉमा में ही रखा है। तो ये तो बन गया एक टपल। ठीक है, अब इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक और बना देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ माई लिस्ट LIST। अब इसे लिस्ट में बना रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे LIST और लिस्ट लिख करके, और जो हमने टपल बनाया है माई अंडरस्कोर टपल, तो इसी को हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे और ये जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करके और इसको प्रिंट भी करवाना होगा, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर माय लिस्ट करेंगे, ये LIST, और ये देखिए ये टपल में, टपल से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको, F5 करके और इसको रन कराना है। रन कराते समय यहाँ पर कोई भी नाम दे करके .py लगाना है और .py लगा करके एंटर करके और ये बस हो गया। तो देखिए ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, पहले टपल था अब लिस्ट बन गया। देखिए टपल कैसे था, तो कैसे पता टपल था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर, अच्छा ये कैसे पता लिस्ट है, तो लिस्ट ऐसे पता है कि यहाँ पर जब हम टाइप लगाएंगे ना तो ये लिस्ट ही बताएगा। तो देखिए टाइप से ही ये पता चलता है कि कौन सा डेटा टाइप है, F5 करेंगे एंटर करेंगे ना तो ये लिस्ट बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर दिया हमने इसे, अब ये लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी। ठीक है, और इसको भी अगर मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से तो ये भी प्रिंटिंग में नहीं आएगी। अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट कराता, माय यही था और टपल यहाँ पे था और माय टपल को प्रिंट कराता तो ये टपल में ही प्रिंट होता। तो देखिए F5 करता हूँ तो ये स्मॉल ब्रैकेट में ही प्रिंट होगा। और कैसे पता कि ये टपल है, तो यहाँ पे टाइप लगा देंगे तो ये बता देगा। तो यहाँ पे देखिए टाइप लगा रहा हूँ, ये टाइप लगा दिया और टाइप लगाने के बाद यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये टपल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, क्लास टपल बता रहा है। लेकिन अभी जब कि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, देखिए अब इस वाले हिस्से को मैं कमेंट करता हूँ और जबकि इन दोनों हिस्सों को हटा देता हूँ, ये जो कमेंट किया था, अब देखिए ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टाइप इसका लिस्ट ही बता रहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, फिर देखिए तो लिस्ट बता रहा है कि नहीं।